हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम मेमोरियल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस क्लास से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन लेंदी तो नहीं होता, हम एक मिनट में सॉल्व कर भी पाएंगे कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मेन मोटो यही है कि आपको बस एक्सपीरियंस करवाना है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में पता चल जाएगी। दोस्तों, आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप बस 10-15 मिनट दो तीन वीडियो देखोगे और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले के बच्चों को बहुत ही मेहनत करने पड़ते थे किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले तो क्वेश्चन भी नहीं मिलता था। तो दोस्तों, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लगातार आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, बस आपको हमारे मेहनत का फल देना है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस एग्ज़ाम में मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से 50-50 करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और हमें 150 मिनट्स भी मिलते हैं इसे सॉल्व करने में, यानी हर एक क्वेश्चन को एक मिनट में ही सॉल्व करना है। तो चलिए, इस वीडियो में फिजिक्स का पार्ट वन यानी 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट टू 25 क्वेश्चन बचा हुआ 25 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए पार्ट पार्ट करके बना रहा हूँ। इसलिए पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ए नंबर होगा। जो प्लेन मिरर के द्वारा बनाया जाता है इमेज, वह हमेशा वर्चुअल यानी पर्दे पर नहीं दिखता है और सीधा होता है, आभासी और खड़ा, यानी इसे हिंदी में कहते हैं आभासी और खड़ा। हमारे घर में जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, आंसर ए नंबर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने डार्क मोड कर दिया है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अभी भी कोई असुविधा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से डे मोड कर दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, कोई भी स्फेरिकल मिरर लिए और एक लाइन जो पास होता है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस लाइन को क्या कहते हैं। सिंपल, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, प्रधान धुरी, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू, एक कॉनकेव मिरर है, बना दिए कॉनकेव मिरर हमने, और प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाएगा तो वो हमेशा फोकस से ही रिफ्लेक्ट करके वापस मुड़ जाएगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस से, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रिंसिपल फोकस, प्रधान केंद्र बिंदु, हिंदी में से प्रधान केंद्र बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। पूछ रहा है साइज ऑफ इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में कोई इन्फिनिटी से इमेज का रे आ रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा और यहाँ पे उसका कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, एक और लाइन बना देते हैं, ये फोकस पे बन गया, तो उसका साइज पूछ रहा है। तो साइज क्या होता है, पॉइंट साइज, बिंदु का आकार, एकदम छोटा इमेज बनता है। हम लोग पढ़े होंगे रे डायग्राम जब बनाए होंगे क्लास 10 का, तो ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है सारे। अभी द टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स इज, तो सिंपल क्वेश्चन है, ए नंबर होगा, बड़ा करके इमेज कौन दिखाता है, तो कॉनकेव मिरर ही दिखाता है बड़ा करके इमेज डॉक्टर, इसलिए डेंटिस्ट लोग इसे दांत देखने के लिए इस इमेज का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए दोस्तों। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कॉन्स्टेंट फॉर गिवेन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज नोन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए, जिसको नहीं मालूम है बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आ जाए एग्जाम में, स्नेल्स लॉ इसे कहते हैं, क्लास 10 में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, स्नेल्स लॉ इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमोंग द फॉलोइंग हैज ए लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो दोस्तों यहाँ पे डायमंड का होता है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर है इसको क्या कहते हैं, कोई भी लेंस का, स्फेरिकल लेंस का जो डायमीटर होता है उसी को एपर्चर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एपर्चर। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करने से क्या होता है, आप जब भी कमेंट करेंगे जिस आंसर को, तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कि ये आंसर तो हमको मालूम है, ये तो हमने कमेंट भी किया था, इसलिए आपको मैं कमेंट करने बोलता हूँ, आप ही के भले के लिए, मेरा भले बाद में सोचिएगा, पहले खुद का भला सोचिए, इसलिए कमेंट कीजिए, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कमेंट कीजिए तब आपको याद रहेगा आंसर। तो द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ क्या होता है प्लेन मिरर का, तो सी इन्फिनिटी, वो भी एक टाइप का स्पेशल टाइप का स्फेरिकल मिरर है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर इन्फिनिटी, उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, डायोप्टर, आंसर बी। नेक्स्ट, द रेटिना ऑफ आई इज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, वो एक स्क्रीन के तौर पर, ऐसे आई होता है तो इस साइड में, इस यहाँ पे लेंस होता है, जब रे आता है तो ये रेटिना पर ही बनता है, ये रेटिना होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे क्लास टेन में आई चैप्टर में। तो आंसर हो जाएगा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, प्रकाश का संवेदन पटल, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का संवेदन पटल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला चीज़ है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है एकोमोडेशन का, कि ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन आई फोकस करता है, उसको क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ चेंज होता है, आई लेंस के ऊपर हमेशा सिलियरी मसल्स होता है, आई में हम लोग पढ़े ही होंगे सिलियरी मसल्स, वो उसको फैलाता है और एडजस्ट करता है फोकल लेंथ के हिसाब से। तो आंसर होगा सी नंबर, सिलियरी मसल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको अगर याद ना हो तो याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग मेमोरी वाला चीज़ है, ये सब क्लास टेन का ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिजीजों वाला तो आ गया बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रेस बायोपिया, बुढ़ापे के साथ साथ जो हमारे आंखों की दृष्टि कम हो जाती है उसको बीमारी को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द अमंग ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विच बेंड्स द मोस्ट व्हेन लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन, जैसे जब भी वाइट लाइट डिस्पर्सन होता है तो हमेशा ब्लू कलर ज़्यादा बेंड कर जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए वो लेस बेंड करता है, वो ज़्यादा बेंड नहीं करता है। आपको ये पढ़े होंगे क्लास टेन में, नहीं पढ़े हैं तो आप समझ जाइए, याद कर लीजिए अगर नहीं पढ़े, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आ जाए, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, स्टार टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है किस कारण से, तो पहला नंबर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का कोलाइडल पार्टिकल से लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, आंसर नंबर डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो नाइन क्लास में भी था और टेन क्लास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज कॉज्ड ड्यू टू, इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट कीजिए, सुबह होने और शाम होने समय आकाश नीला लाल दिखता है क्यों, फिर आकाश नीला दिखता है क्यों, ये सब किस कारण से होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं आता वो याद कर लीजिएगा, ए नंबर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही सूरज जब डूबता है और उगता है तो आकाश लाल हो जाता है, आकाश का रंग नीला होता है, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा होता है। वन एम्पियर ऑफ करेंट इज, तो जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे I इज इक्वल टू Q बाय टी,
यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हम लोग ये तो फॉर्मूला ही याद करना तो बहुत जरूरी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, तो आंसर हो जाएगा सिंपल ए नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे क्लास 10 का ही है। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोल्ट, और इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसे कहते हैं, जैसे ओम्स लॉ पढ़े थे ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आर जब निकालेंगे तो आई इधर जाएगा डिवाइड में, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई, आर इज इक्वल टू वी बाय यानी 1 एम्पियर बाय 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर 22 का सी नंबर आंसर होगा 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इज डबल्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, किसी जैसे हम लोग कैसे रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए होता है, यानी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जब लेंथ डबल होगा तो सिंपली रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा बी नंबर, डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना ये सही करने वाला, तो आप हर एक क्वेश्चन को पहले गलत कीजिए, उसके बाद श्योर हो जाइए किस आंसर को श्योर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करेंट इन द सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो टोटल करंट होता है सर्किट में वही करंट हर रजिस्टर में जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सब जितना वोल्टेज सर्किट में रहता है वही वोल्टेज हर एक रजिस्टर में जाता है, तो ये पैरेलल और सीरीज में उल्टा उल्टा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है सीरीज में, सीरीज का बात कर रहे तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट बी, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट, नहीं ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर जाती है, सीरीज में थोड़ी होगा, ये गलत है। द सम ऑफ द करेंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करेंट इन द सर्किट, तो ये पहले सीरीज में क्या होता है, एक ही करेंट जाता है, सबको जोड़ करके टोटल करेंट नहीं होता है, तो ये बात भी गलत हो गया। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, नहीं ये पैरेलल का बात है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हर रेजिस्टेंस का जो जोड़ते हैं हम लोग वह छोटा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर को जोड़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि आंसर नंबर ऑप्शन ए नंबर सही था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में बचे हुआ 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब में।